मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक नए अध्याय के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ आप सभी के सम्मुख उपस्थित हो गया हूँ मैं। सुबह के अभी 5:30 हुए हैं। 45 मिनट का अपना कार्डियो ख़त्म करके मैं जैसे अभी बैठा ही हूँ। दिन के प्रथम मील की मेरी अभी शुरुआत होनी है आप सभी के साथ। एक जल्दी मैं एक मील आपको शेयर कर देता हूँ। ये मैंने जो मील प्रिपेयर किया है, मैंने गर्म पानी में प्रिपेयर किया है। इसमें मैंने लिया हुआ 50 ग्राम ओट्स, 30 ग्राम सनफ्लावर सीड्स एंड 1 स्कूप वे प्रोटीन। तो तीनों ही इसमें मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट के लिए ओट्स है और हेल्दी फैट के लिए इसमें सनफ्लावर सीड्स मैंने रखा, प्रोटीन के लिए इसमें वे प्रोटीन है। तो आप भी जब फैट लॉस करें या मसल गेन करें तो अपने जिम ट्रेनर से आप पूछ सकते हो कि कितना अमाउंट में उनको कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना अमाउंट में प्रोटीन लेना है, कितना अमाउंट में उनको फैट लेना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आज का जो हमारा मेन कंटेंट है। परसों रैंडमली एक मैम ने मुझसे पूछा कि सर फैट लॉस करने के लिए मुझे क्या, किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्या मुझे वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करनी चाहिए या मुझे कार्डियो करनी चाहिए। तो अच्छा किया उन्होंने पूछ करके। किस कभी भी आपके मन में कोई डाउट आए तो आप क्लियर कर लो उसको अपने ट्रेनर के साथ, कि मन में रखने से, कोफ्त करने से अच्छा है कि आप आगे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर ही मिलेगा और आपको समझ में आएगा। तो ऐसे ही मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों के मन में अभी शंका होगी कि फैट लॉस करने के लिए, वज़न कम करने के लिए वो क्या चीज़ बेहतर कर सकते हैं। तो एक आपको मैं डेमो, थोड़ा एग्जांपल की सहायता से थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए मैं हमेशा वही एग्जांपल देता हूँ जो कि मैंने खुद पे ट्राई किए होते हैं। जैसे मैं अभी इलेक्ट्रिकल ट्रेडमिल का यूज़ करता हूँ, तो 20 मिनट के ट्रेडमिल के सेशन में अगर मैं वॉक कर रहा हूँ, समझिएगा इस बात को, अगर 20 मिनट के सेशन में अगर मैं वॉक कर रहा हूँ तो मैं 120 कैलोरीज बर्न करता हूँ, ठीक है। और वही अगर मैं उसमें वॉक रनिंग करता हूँ, सपोज़ 9 की स्पीड में रनिंग कर रहा हूँ 20 मिनट के सेशन में, तो वही मेरा कैलोरी जो बर्निंग है वो 200 से ऊपर पहुँच जाता है। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को अच्छी तरह कि अगर मैं वॉकिंग कर रहा हूँ तो मेरा कैलोरी बर्निंग हो रहा है 20 मिनट में 120 कैलोरीज, एंड अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ उसमें 9 की स्पीड पे, तो वही मेरा 200 से ऊपर पहुँच जा रहा है। तो फैट लॉस करने में आपका मेन जो रोल है वो आपका है एनर्जी, आप कितना खर्च कर रहे हो, ऊर्जा को कितना आप खर्च कर रहे हो, कैलोरीज कितना बर्न कर रहे हो। जितनी ज़्यादा ऊर्जा आप बर्न करोगे उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, उतनी जल्दी आप फैट लॉस करोगे। देखिए सपोज़ करिए आपको, कि एक दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करनी है, तो आप वॉकिंग कर रहे हैं और दूसरा बंदा जो है रनिंग कर रहा है, तो कौन जल्दी पहुँचेगा वहाँ पर डेस्टिनेशन पे, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। जो वॉक करेगा वो थोड़ा देरी में पहुँचेगा, जो रनिंग करेगा तो वो जल्दी पहुँचेगा। तो देखिए हर किसी के शरीर की अलग अलग सीमाएँ हैं, किसी को बीमारियां हैं या किसी को बीमारियां नहीं हैं। तो जिसको बीमारियां नहीं हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर लेता है, चाहे वो कार्डियो हो, चाहे वेट ट्रेनिंग हो, वट एवर कुछ भी हो। बट जिसके साथ शरीर की व्याधियां जुड़ी हुई हैं तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। वो उसी तरह है कि एक बंदा पैदल 10 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहा है। तो कभी भी अपने मन में कोफ्त मत रखिए कि नहीं मुझे क्या करना चाहिए। देखिए कैलोरी बर्निंग का सीधा संबंध इस बात से भी है कि मैं ये अंगुली अपनी हिला रहा हूँ तो मैं कैलोरी बर्न कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ आपके समक्ष मैं कैलोरी बर्न कर रहा हूँ, मेरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसमें कैलोरी बर्न हो रही है, मेरा जो हार्ट पंप कर रहा है उसमें कैलोरी बर्न हो रही है। तो जब इतने अमाउंट में कैलोरी बर्न हो सकती है, तो एक वॉकिंग करने से, वेट लिफ्टिंग करने से, कार्डियो करने से कितनी आप कैलोरी बर्न कर पाओगे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देखिए हर चीज़ में कैलोरी बर्न होती है, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से ज़्यादा कैलोरी बर्न, कौन सा माध्यम आप चुनना चाहते हो, आप वॉकिंग का माध्यम चुनना चाहते हो या रनिंग का माध्यम चुनना चाहते हो या वेट लिफ्टिंग का माध्यम चुनना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। जितना हार्ट की तरफ आप जाओगे उतनी आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करोगे। आप अगर वॉकिंग कर रहे हो तो कम कैलोरी बर्न करोगे, अगर आप रनिंग कर रहे हो तो ज़्यादा कैलोरी बर्न करोगे। अगर आप 2.5 किलो के डंबल से वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो कम कैलोरी बर्न करोगे, वही आप डंबल 7.5-10 किलो या और उसके ऊपर जाओगे तो ज़्यादा कैलोरी बर्न करोगे। तो ऐसा मन में बिल्कुल भी डाउट मत रखिए कि मुझे फैट लॉस करने के लिए क्या करना चाहिए, वेट लिफ्टिंग करना चाहिए या कार्डियो करना चाहिए। दोनों ही चीज़ें आप सभी को करनी चाहिए एक नियत अनुपात में। अपने शरीर की बीमारियों को, अपने शरीर की व्याधियों को, अपने शरीर की कंडीशन को देख के आप कर सकते हो। आपका शरीर अगर साथ दे रहा है वजन उठाने के लिए तो वजन भी उठाइए, अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा तो फिर आप लाइट इंटेंसिटी वाले कार्डियो कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डाउट मेरा क्लियर होगा कि जो मैंने बताया आपको कि फैट लॉस करने के लिए क्या चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि फैट लॉस के लिए जो भी आप कैलोरी बर्न कर, जितना आप कैलोरी ज़्यादा खर्च करोगे उतना ज़्यादा आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बट हमेशा एक चीज़ को आप ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ को अगर आप फैट लॉस के लिए कोई भी माध्यम अगर चुन रहे हैं तो साथ में डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डाइट मेंटेन नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, सब मिट्टी में आपकी करी कराई मेहनत मिट्टी मिल जाएगी।
तो जितना हमारा रोल वर्कआउट का है उससे कहीं ज़्यादा रोल हमारी डाइट का भी है। वर्कआउट का रिजल्ट आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप अच्छी डाइट लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अभी 45 मिनट का कार्डियो सेशन ख़त्म किया, उसके बाद मैंने दिन के प्रथम मील की अपनी शुरुआत मैंने आपको दिखाया मैं क्या ले रहा हूँ। अभी एक घंटे के बाद मेरा दिन का द्वितीय वर्कआउट शुरू होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सुखा के बैठ जाने वाला हूँ, ये प्योर हेल्दी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का। मेरा अगर मन, कितने लोग ऐसे होते हैं कि दिन की शुरुआत को पराठे चाय इन चीज़ों के साथ शुरू करते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या फैट होता है, क्या प्रोटीन होता है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। तो कभी भी किसी चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, सिर्फ वर्कआउट पर ध्यान मत दीजिए, दो डाइट की तरफ भी ध्यान दीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ वीडियो अपना समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।